أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما عباد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب محترم هذرات عمار نادرين صامئين इस प्रोग्राम में शवन शामिल होने वाले भाइयों बहनों दीनी इस्लामी प्यारे बच्चों और बच्चियों आज एक नहायत अहम मौजू पर हमें कुछ आप से ख़िता करने का हुक्म दिया है नहाय अहम ज़रूरी और बुनियादी मौजू है जिस पर आज हम गुफ्तु करने की कोशिश करेंगे मौजू है दावत दीन में हमत की ज़रूरत और अहमियत हमत दावती दावत में दावती दीन में एक दाई के लिए हमत कितनी ज़रूरत और कितनी अहमियत रखती है और हमत कि इतनी अहमियत और आ उसकी कीमत क्यों आखिर दावत के दाई और दावत के लिए है आज इन्हीं चंद बातों पर इसी मौजू पर हम गुफ्तू करेंगे अल्लाह हमें हक कहने आप तमाम हजरात को हक़ कबूल करने समझने की तोहफ़ी से फरमाए हमत एक आम सलफ्ज है हमारे उर्दू मुहावरे में बोली जाती है बड़ी हिकमत की बातें करता है बड़ी हकीमाना बातें करता है अरबी में भी है हमारी ज़बान उर्दू में भी, भी इस्तेमाल होता है हिकमत क़ुरान पाक के अंदर बहुत सारे मकामात पर तकरीबन कुछ कम बीस तीस मकाम पर तकरीबन कहा जाता है इस किस्म के अल्फाज या इसके माने को अदा करने वाले कुरान मस्कूर हैं बहुत सारे अल्फाज बहुत सारे मकाम हैं सराहत के साथ हमत या इस मादे से निकले हुए और इस माने के करीब और माने के माना अल्फाज जो हैं वो क़ुरान पाक के मुख्तलिफ मकाम पर मौजूद हैं इसलिए आज सबसे पहले मत कमाना समझें क्योंकि आज हमत कमाना लोगों ने एक गलत समझ रखा है यहाँ तक कि सबसे ज्यादा हमत कमा तोड़ मड़ोड़ करके जो बियाड़ा गया है वो दावती मैदान में दुआत ने पैदा कर दिया है अल्लाह जजाय खैर दे हमारे उन साथियों को जिन्होंने आज इस मौजु पर हमें कुछ गुफ्तगु करने का मशवरा दिया वक्त की नहायत अहम इसका वक्त का तकाजा ये है कि जब हमत जैसे बेहतरीन बामाना और फसाहत और बलागत के अल्फाज़ को गलत माने में लोग इस्तेमाल कर रहे हों तो उसकी हकीकत को वाज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्यों हमत एक शराय लफ्ज है अल्लाह तमें हमत अपनाने का हमें हुक्म दिया है तो जब माने में तहरीफ की जा रही हो तो उसकी उसका दिफा करना और असली माना बयान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हिकमत का के बहुत सारे लोग भी माने आते हैं काजी को भी काजी के फैसले को भी हिकमत कहा जाता है बादशाह को भी हाकिम हिकमत से निकला हुआ लफ्ज हाकिम कहा जाता है इल्म को भी हिकमत कहा जाता है दूरंदेशी को भी फहम फरासत को भी बहुत सारे माने में यहां तक कि अक्ल को भी हिकमत कहा जाता है ये तो इतने बहुत सारे माने हैं हम उधर नहीं जाना चाहते लेकिन सारे जितने भी माने में इस्तेमाल किया जाता है अरबी में ये लफ्ज एक चीज में सब मुश्तरक हैं वो क्या है मना करना रोक देना और महफूज रखना माने तो मुख्तलिफ बयान किए जाते हैं लेकिन कदर मुश्तरक जो तमाम मानी में पाया जाता है वो क्या रोक देना मना कर देना बचा लेना महफूज कर देना किसी भी माने में इस्तेमाल करेंगे ये लफ्ज ये नुकता और ये चीज जरूर पाई जाएगी उसके अंदर हिफाजत मना करना रोकने का आ, माना पाया जाता है इस एक कदर मुश्तरा है और खास तौर से हम आज जो हिकमत कमाना आप के सामने जो हम बता जिसकी वजाहत करना चाहते हैं दावती मैदान में उसी माने का को हम बयान करते हैं और इसी माने की आज हमें ज़्यादा ज़रूरत है दावत के मैदान में दावती ज़िंदगी में तबलीग हक़ की तरफ़ बुलाना मुनकरात से मना करना इस मैदान में दावत के माने को समझना आज बेनतहा जरूरत है पहली चीज यह समझें कि हमत का तकाजा यह थामत का हुक्म हमें इसलिए दिया गया था दावती मैदान में कि हमत की बरकत से हक को गालिब किया जाए हक को गालिब करें लोगों तक हक पहुंचाएं हिकमत के जरिए लोगों को के सामने हक की वजाहत करें और हक से का कायल करें उनको अपनी हिकमत के जरिए ये असल मकसद था लेकिन लोगों ने आज हिकमत का माना जो समझ रखा है और हिकमत जो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इसके अपोजिट हक की छुपाने बातिल की हिमायत, हक को दबाने जो हक को गालिब करने के लिए लफ्ज आया था जिसका इस्तेमाल होना था आज बुजदिली कितम हक हक को छुपाने बातिल की हिमायत के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करता है और उसी को कहते हैं बड़ी हिकमत की बातें करता है यह चीज आप जहनशी कर लें हक हिकमत की जो इतनी ताकीद की गई थी हम मुसलमानों के लिए खसूस को हक को गालिब करने के लिए हक की वजाहत के लिए हक को आम करने दावत देने के लिए लेकिन आज लोगों ने उसका माना बिल्कुल पलट दिया हक को छुपाने बातिल की हिमायत करने और हक को बातिल से मिला करके लेकर के चलने यह हक हाँ गोई और हक हाँ बयानी से बात रहने का नाम हिकमत को दे कर, हिकमत दे दिया गया है आ? और बता दिया गया यह हिकमत का तकाजा है दोस्तों जब आपने समझ लिया कि हेकमत हिकमत कमाना यह है कि हिकमत की ताक़ इसलिए हमको की गई और हिकमत अपनाने का हुक्म दिया गया ताकि कि इसके जरिए हम हक को गालिब करें हक की वजाहत करें हक की हिमायत करें और हक लोगों तक पहुंचाएं ये असल मकसद था इसीलिए अब हक की तारीफ आपके सामने बिल्कुल वाजह है दावती मैदान में अमर बिलमारूफ व नहीं में कमाना ये होगा आप तवज्जो और गौर से सुने के तभी बात समझ में आएगी सबका खुलासा जो मैं बताना चाहता हूँ ये दावती जिंदगी में दावत के मैदान में हमत कहते हैं हर वो तर्ज अमल हर वो चीज अपनाना हर ऐसी राह इख्तियार करना जिससे आप लोगों के सामने हक पेश करें और हक पेश करने में आप कामयाब हो जाए समझिए पहले हिकमत किसी एक चीज का नाम नहीं है दोस्तों हक को गालिब करने हक की दावत देने और हक को आम करने लोगों के समझाने के लिए हर वो शरा तरीका किसाब सुन्नत से माखोज तर्ज अमल जो आप इख्तियार करेंगे उसी और इसलिए आप इख्तियार करें ताकि कामयाब हो जाएं आप अपनी दावत में अपने मिशन में अपनी जिम्मेदारी अदा करने में और सामने वाला इनकार करने की जुरात तो और हिम्मत ना करे हक कबूल कर ले ये असल में हिकमत है अब हिकमत का माना अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों दावत के मैदान में हम यह नहीं कह सकते सिर्फ यही एक चीज हिकमत है मुमकिन है कभी उसके लिए नर्म जबान इस्तेमाल करनी पड़े कभी सख्त जवाब इस्तेमाल करना पड़े कभी हक को गालिब करने के लिए अमरबिल मारू व नहन मुनकर के लिए मुमकिन है व दरगुजर करना पड़े और बसा औकात ऐसे भी हो सकता है कि हक को गालिब करने के लिए कभी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़े हर वो अमल हमत में शामिल होगा जो हक को गालिब करने और सामने को हक वाले को हक कायल कराने के लिए आप तर्ज अपनाएंगे उसी चीज का नाम हिकमत है आगे आइए हमत को कमाना अगर दावती मैदान में हमत का क्या माना है आपने उस समझ लिया तो अब हिकमत की वजाहत और जरूरत उसकी फजीलत और उसकी अहमियत बहुत आसान हो जाती है हमने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की सूरते, सूरत बकरा की आयत दो सौ उनसतर नंबर की आयत अल्लाह ने फरमाई उतिल हकमत मई यशा उतिल हमत अमय याशा अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे हिकमत दे देते हैं हिकमत दे देते हैं इमाम मुजाहिद रहमत आमाबुल मुफस्सरीन समझे जाते हैं कहते हैं हिकमत का मतलब है अल वल वल अल्मिकन इल्म दीन की समझ कुरान की तफसीर अल्लाह उसको अता कर देते हैं देखिए कितनी चीजें हो गई इल्म है तफक् दीन दीन की समझ कुरआन की तफसीर कुरान का माना इन तमाम चीजों को हमत कहा जा रहा है अब इब्न अब्बास रदी ताला अन्हुमा कहते हैं यू उतुलत अमय अल्लाह जिसे चाहते हैं हमत अदा करते हैं फरमाते हैं अलहिकमत अलमारफतल कुरान व ना ही व मनसूख ही व मुहकम ही व मुतशा भी कुरान वदीस की समझ इल्म नासिख सिख मनसूख इन तमाम चीजों की मारफत का नाम हिकमत है अल्लाह ने फरमाया जिस शख्स को हिकमत हम देते हैं या जिस शख्स को हमत दी गई फकत ऊत या खईरन का उसे बहुत सारी बेशुमार भलाइयों से नवाज दिया गया एक नेमत, हिकमत जिसको नसीब हो जाए जिस शख्स ने अल्लाह ताला के तौफ़ीक से अपने अमल में अपने दावत में अपने गुफ्तार और किरदार में अपनी जिम्मेदारी अदा करने अम्रबिल मारूम न व नई अनिल मुनकर में जिसको अल्लाह ताला ने तिकमत अपनाने की तोफीक दे दी अल्लाह ने फरमाया फ़कद ऊत या खैरन कहोत सारी बेशुमार भलाइयों से अल्लाह ताला माना माल कर देते हैं मायत जक करो ये है नबी सलात ने भी इसी माने में हिकमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है सही हैन की रवायत बहुत सारी कुतुब हदीस की हजरत अब्दल्ला इब्न मसूद रज अल्लाह तला

रगबत और एक दूसरे की तरह बनने की आदमी रश्क करने, कर सकता है इतनी आला दर्जे की इतनी खैर की चीज़ें हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो हर आदमी देख करके चाहिए कि अल्लाह ताला से ख़्वाहिश करे तमन्ना करे दुआ करे अल्लाह हमको भी ये दो चीज़ें दे दें अंदाजा लगाएं कि अगर गांव के अंदर मोहल्ले में शहर में एक शख्स को अल्लाह ने वो दो चीजें दे दी हैं तो पूरे शहर के लोगों को चाहिए कि तमन्ना करें ख्वाहिश करें कि अल्लाह हमको भी ये दोनों चीजें दे दे इतनी बड़ी अजीब बड़ी चीजें हैं नंबर एक राजन पहला पहली पहला शख्स या पहली चीजें है अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया और फिर माल को अपनी राह में खर्च करने की तोफीक दे दी ऐसे मालदार को देख करके हमें भी मालदार बनने की तमन्ना और उसकी तरह अल्लाह ताला के राह में खर्च करने का शौक और जज्बा रखना चाहिए नंबर दो वराजुल आतामता वो इंसान जिसको अल्लाह ताला हिकमत दे जिसको अल्लाह ताला हिकमत दे और अपनी हिकमत के जरिए लोगों में फैसला करता है और लोगों को हिकमत सिखलाता है ये है। जिसको हम कहेंगे आलिमी दीन हिकमत वाला वो आलिम जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत दिया है हिकमत की रोशनी में लोगों के मसाइल हल करता है और लोगों को सिखलाता और बताता है पता चल गया हिकमत सीखने और सिखाने वाली चीज है दोस्तों इसीलिए बाद बाज इल्म ने कहा कि इस हदीश में हिकमा का लफ्ज आया हुआ है जिसका मतलब यह कुरान और सुन्नत और वाद अहले ने कहा हिकमत हर वो चीज जो इंसान को जिहालत और बुराई से रोक दे उसको कहा जाता है हिकमत ये है। तो हिकमत का कि एक फजीलत के तौर पर मैंने दो हद आयतें पेश की अल्लाह रब आलमीन ने कुरान पाक में एक और मकाम आपके सामने पेश करें जहां हिकमत का की बड़ी फजीलत और जिसको अल्लाह हिकमत दे दे उसे अल्लाह ताला के इस फजलो करम और नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ताकीद की गई है रबुल आलमी ने फरमाया वकद आतनाकमानल हमत अनिश्कुर

सारी फजीलतों का सबब अल्लाह ने की है। वरकदातना लुकमान हमने लुकमान को हमत अदा किया था और हमने उनसे कहा अनिशिक लिल्लाह ए लुकमान आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें यानी हमने जो आपको हमत दिया है इसका तकादा यह है कि आप इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो मन शकारा इन नमा यश और जो अल्लाह ताला के इस नेमत पर शुक्र करेगा तो अपने लिए करेगा उसका फायदा उसी को मिलेगा ममन कफरा और जिसे अल्लाह ताला की ना शुक्री करेगा तो वो अल्लाह तनी है बेनियाज है सतूदा सिफात है अल्लाह तला को किसी की शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं है तमाम अहल इल्म ने कहा कि अल्लाह रबुल आदमी ने लुकमान को जो हिकमत दी थी वो इल्म था फहम था बशीरत थी जिसके जरिए लोगों में हमेशा वो कामयाब रहे अमल था और तमाम मामलात हिकमत की बरकत से उनके दुरुस्त होते थे इमाम मालिक रहाम और बहुत सारे अहले अहिल ने नकल किया हिकमत समझाने के लिए जो हमने आपको बताया कि हिकमत दावती मैदान में हिकमत का मतलब ये है कि इंसान हक पहुंचाने में हक की दावत देने में हक की तरफ बुलाने में ऐसा अंदाज इख्तियार करे वक्त का तके का आदमी के मिजाज का वक्त और माहौल का ख्याल करते हुए ऐसा अंदाज इख्तियार करे कि हक वादे हो जाए और हक गालिब हो और सामने वाला हक के इनकार करने की जुरात ना करे हक वाज करना अगर हिकमत आ जाए तो आदमी हक कैसे वाजह करता है इस सिलसिले में लुकमान हकीम एक मिसाल आपको देते हैं मिसाल से बात बड़ी वादे हो जाएगी एक एक तो यह है इमाम मालिक और बहुत सारे अहले इल्म नकल करते हैं कि लुकमान हकीम का जो पेशा था वो गुलाम थे सारे मोहर्रख का इत्तेफाक गुलाम थे और बकरियां चराते थे चरवाहे थे ये हवशी थे लेकिन हिकमत से माला माल थे हमेशा इन्होंने हिकमत से काम लिया यानी हक वादे हो हक बयान किया जाए और हक को गालिब करें एक तो ये है इमाम बालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मत्ता में और बहुत सारे अहले इल्म नकल किया कि एक दिन एक शख्स से रास्ता पकड़ के गुजर रहा था और लुकमान हकीम बैठे लोगों को दर्श दे रहे थे वाफ नसीहत कर रहे थे बहुत बड़ा मजमा है और उस पूरे मजमे में सबसे ज्यादा बदशक्ल सबसे ज्यादा काले कलूटे हजरत लुकमान है वो शख्स गुजर रहा था तो मजमा देख करके वो भी खड़े होकर के सुनने लगा कुछ देर तक सुना लुकमान हकीम की गुफ्तगु और उनके होठ उनके शख्स और सूरत देखता रहा वो। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कहता है कि आप पहले बकरियां चराते थे क्या कहा कि हां कहा तुम्हारा नाम लुकमान है कहा कि हां मेरा नाम लुकमान है कहा तुम हबशी गुलाम थे कहा हां गुलाम था तुम, तुम तुम्हारे साथ एक फला आदमी इस नाम का बकरियां चराता था पहचान तो कहा कि हां कहाओ मैं हूं अल्लाह लुकमान हकीम को उसने पहचान लिया होठो से लेकिन उस लुकमान हकीम उसको ना पहचान सके कहा कि मैं ही हूं लेकिन बताओ मां बाबागा बेका लुकमान हमारे साथ तुम बकरियां चराते रहे एक साथ जंगलों में जिंदगी गुजारते बकरियों के पीछे लेकिन तुम कहां से कहां पहुंच गए और मैं भी बकरियों का चरवाहा ही रह गया इतनी इज्जत इतना ऊंचा मकाम मरतबा तुमको किस चीज से मिला तो रुकमान हकीम ने कहा मेरे रब ने हमको तीन चीजों की बिना पर यहमत ये, ये मकाम मरतबा अता किया है जिंदगी भर मैंने तीन चीजों का बड़ा एहतमाम किया और मुझे उम्मीद है कि उन्हीं तीनों चीजों की बरकत से रब ने हमें यह मकाम अता किया है तुम शरवाहे रह गए और हम उस्ताद बन गए के सफ में आ गए कहा क्या नंबर का सबसे पहले तीन चीजों से पहले एक बड़ी चीज तो यह है कदरुल्लाह अल्लाह मेरे नसीब में ये लिखा था हर आदमी के जो नसीब लिखा, लिखा है वो देता है उसको तो हमारे नसीब में था इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तला ने हमें यह मकाम दिया हमारी नसीब को इतना अच्छा बनाया फिर नसीब और कदरुल्लाह के बाद मैं जिंदगी में तीन बातों का बड़ा एहतमाम करता हूं यही हिकमत नंबर एक अदाई अमाना मैंने आज तक कभी अमानत में खयानत नहीं किया है हमेशा अमानत दारी का मैंने सबूत दिया है बकरियां चराता रहा हमने अपने इस पेशे में अमानतदारी का सबूत दिया हमने आका के साथ कभी ख्यानत नहीं की साथियों के साथ नहीं ख्यानत किया पड़ोसियों के साथ नहीं ख्यानत किया हमेशा मैं अमानत का किरा इख्तियार करता हूं नंबर दो व की अल हदीस मैंने हमेशा सच्चाई से काम लिया हम कभी झूठ नहीं बोलते गर्दन कट जाए हमारा नुकसान हो जाए, फायदा लेकिन मैं कभी झूठी बात नहीं करता अल्लाह ने हम लोगों को यही हुक्म दिया है ईमान वालों तकुल्ला व हमेशा सच बोला करो नंबर तीन व तर कुमाला यानी नहीं। मैं अपने वक्त की अपनी जबान की बड़ी हिफाजत करता हूं मैं कोई लायानी चीजों में आज तक अपने वक्त अपनी जबान को इस, इस्तेमाल नहीं किया जाय नहीं किया जो कहता हूं काम की बातें जो करता हूं जरूरत की चीजें हम फजूल लायानी अपना टाइम पास नहीं करते चरवाहे ने कहा लुकमान सदकता तुमने सही कहा अल्लाह ने इन्हीं तीनों चीजों की बरकत से अल्लाह ने तुम्हें यह मकाम मुतबाता किया है अब आप देखिए हिकमत का माना समझें हिकमत दावती और दीन मैदान में हिकमत कहते हैं कि आदमी ऐसी राय इख्तियार करे जिसमें हमेशा नाकामी से महबूद रहे हमेशा कामयाबी हासिल हो उसको ये है हिकमत हजरत लुकमान जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया ने हिकमत इसको दिया था बकरियों का चरवाहा जब रब ने हिकमत से नमाधा और उसने अपनी हिकमत इस्तेमाल किया और हमेशा हिकमत से काम लिया तो रब्बुल आलमीन ने चरवाहे को वक्त का बहुत बड़ा आलिम और फादिल और बड़ा इमाम उसको बना दिया दूसरी मिसाल इन्हें लुकमान हकीम की सरफ नकल करते हैं सारे मौरखीन बहुत सारे मुफसरिन और अहले शेयर लुकमान हकीम के बारे में कहते हैं बेचारे गुलामी की जिंदगी गुजारते थे एक दिन इनके आका ने इनका आका जो था उसने कहा लुकमान इजबाह शातन वा अतिनी बेअ्य बिहा लुकमान आज एक बकरी जवाह करो लुकमान आज एक बकरी जवाह करो और बकरी जवाह करने के बाद अतिनी बेअ्य बिहा पूरे जिस्म में सबसे अच्छे गोश्त जो होते हैं वो तुम लेकर के आओ पूरी बकरी के अंदर सबसे अच्छा गोश्त जो होता है वो लेकर के आओ या सबसे अच्छी चीज बकरी में जो होती है वो लेकर के आओ बाकी सदका कर दो लुकमान हकीम ने बकरी जवा की आका का हुक्म है लेकिन हिकमत आका ने जिम्मेदारी दी कि बकरी जवा करो अब अमानत दयानत हिकमत जरा देखें और किस तरह से इसलाह करते हैं हजरत लुकमान पूरी बकरी बकरी जबह किए बकरी जबह करने के बाद फा बिल लाने वाल कल्ब जबान और दिल निकाल करके रख लिया और पूरी बकरी उन्होंने सदका कर और जबान और दिल को फराई करके आका के सामने पेश करो आका ने खाया क्या लेके आए आका मौला आपने सबसे अच्छी चीज मांगी पूरी बकरी में सबसे अच्छी चीज जो है वो जबान और दिल है हमने इन दोनों को फ्राई करके आपके सामने रख दिया आका ने खा लिया पूरी बकरी सदका कर दी फिर एक दिन उसने कहा या लुकमान इजबह लानाश अतन फनी बेहा बेअबा ए लुकमान बकरी जबह करो और जबह करने के बाद सबसे बेकार चीज जो होती है वो लेकर के आओ लुकमान हकीम ने बकरी जबा की बकरी जबा करने के बाद वही दिल और बकरी का जबान निकाला बाकी पूरी बकरी फेंक दी, सदका कर दी, और आका के सामने ला करके दोनों रख दिया आका ये है आपने कहा फिर वही तुम बकरी लाए बकरी का वही बकरी की जबान और बकरी का दिल ले के आए ये क्या है जब मैंने सबसे अच्छी चीज मांगी जब भी वही जबान और दिल और जहां सबसे बेकार चीज जब भी वही दोनों चीजें कैसे इकट्ठा हो सकती हैं तो हजरत लुकमान ने अब उनको अपने आका को समझाया हिकमत जरा देखें कहा कि आका बात सलेहे इन लहू लई शब शय उन अतब इदा इजाकबा आका ये हिकमत है आका अगर इंसान दुरुस्त हो इंसान की जबान दुरुस्त हो और इंसान का दिल दुरुस्त हो जब इंसान के ये दोनों चीजें दुरुस्त हो जबान और दिल इजाकबा अगर ये दोनों दुरुस्त हो तो इससे कीमती और बड़ी चीज कोई इंसान में नहीं होती जबान सच्ची हो जिक्र लाही करने वाली हो घी बचुगली शिव का शिकायत से बचने वाली हो और ये दिल ईमान से भरा हुआ हो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ हो नेकी की मोहब्बत हो तकवा परहेजगारी हो तो दिल और जबान से बेहतर और बड़ी चीज इंसान में कोई नहीं है और आका जब वलई साई उन अकबसा मिनहुमा इदा फसादा इदा खबोसा और जब इंसान की जबान खराब हो जाए जबान गाली देने की आदत हो आदत पड़ जाए चील खोरी करने वाली हो गाली गलोज देने वाली हो फूल बातें करने वाली जबान जबान हो और इंसान का दिल कुफर से शिरक से निफाक से दुनिया की मोहब्बत से बुराइयों के मोहब्बत से भरी हो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से दो महरूम हो तो उस दिल से बुरी चीज कोई नहीं तो ये जबान और दिल अगर अच्छे हो तो सबसे बड़ी चीज है इनसे कोई बेहतर चीज नहीं और जब खराब हो जाए तो इनसे कोई बुरी चीज नहीं वाह अकबर कहते हैं लुकमान हकीम काका अश अश करके रह गया वो भी अल्लाह तला का शुक्र अदा करते हैं अब तूने तो मुझे ऐसा गुना मता किया है वाला कद आता लुकमान अनिश्फिल्ला अनिशुल्लाम यशकुर्फ इनमा यशकुर नबसे आप अगर गौर करेंगे तो हिकमत जो हजरत लुकमान को अल्लाह ने दिया और अपनाया उन्होंने आका के समझाने में अपनी दावती जिंदगी में वाद नसीहत में अल्लाह तारा ने कितनी कामयाबी अता किया उसको आप सिर्फ इसी एक किस्से से अंदाजा लगाएं जबान और दिल प्यारे नबी ने क्या फरमाया तमाम अहिल कहते हैं लुकमान हकीम ने जो कहा वही चीज़ है आखिरी नबी मुसल्लम ने साथ फरमाया अगर इंसान का दिल दुरुस्त हो तो उसके सारे आमाल दुरुस्त होते हैं अगर इंसान का दिल खराब हो जाए तो इंसान के सारे आदा खराब हो जाते हैं इसी जबान के इरशाद फरमाया कि इंसान की जबान अगर दुरुस्त हो तो आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं यादी लकुम आमालकुम अगर इंसान की जबान दुरुस्त हो और दिल में तकवा हो दिल दुरुस्त हो तो बाकी सारी जिंदगी के आमाल अल्लाह उसके सुधार देते हैं तो हिकमत की बात चल रही थी हब्बुलआमिर ने हमत में बड़ी खैर बरकत रखी है लेकिन फिर मैं कहूंगा हमत अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल करने को हुक्म दिया था कि हक वाजह किया जाए हक को गालिब किया जाए इंसान वह राय इख्तियार करे जिससे अपने दावत तबलीग में कामयाब हो और हक वादे हो जाए लेकिन आज लोगों ने हक को छुपा करके गोल मोल बात करना बातिल से समझौता करना इसका नाम हिकमत दे रखा है यह हिकमत नहीं है किसी ने बड़ी अच्छी बात कही दोस्तों बातिल के सामने हक को मगलूफ करना या डर से खौफ से बिरादरी के गौर से दोस्त अहबाब के नाराजगी से आप हक जाहिर ना करें हक की दावत ना दे बल्कि गोल मोल बातें करें इस नियत से कि नहीं हक कहने कि तो नाराज होंगे और ये होगा और वो होगा बिरादरी में फूट पड़ जाती है, है तो आपने असल में हिकमत दी थी लेकिन हिकमत आपने इस अल्लाह ने आपको हिकमत दी लेकिन आपने हमत इस्तेमाल नहीं किया या आप हिकमत से महरूम है दो चुमले में फिर समझिएगा हक छुपाने के लिए आज हक छुपाने को लोग हिकमत कहते हैं जिससे लोग नाराज हो उस बात को छोड़ देने का नाम हिकमत दे कहते हैं हालांकि हिकमत का मतलब यह कि किस तरीके से आप हक को गालिब करें अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और आप अपनी दावत में अपनी जिम्मेदारी में कामयाब हों लोग खुश हो या नाखुश इसकी कोई परवाह न हो इसको हिकमत कहा जाता है किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कौन है तारिक आ रसूल मुख्तार मसलहत वक्त की है किसके अमल का मैार आज झूठी मसलहत वाले अहले हक को मलामत कहते हैं आज हिकमत का नाम लोगों ने कहा इससे इख्तलाफ होता है इससे बड़े मुतद्द हैं इससे जो है बिरादरी में फूट पड़ती है बात ऐसी नहीं है ये हक का जाहिर करना और इस अंदाज से जाहिर करना इल्म हिकमत बशीरत की रोशनी में कि बातिल और हक के दरमियान तफरीक हो और हक वाला हक कबूल करने से इनकार ना कर सके हक समझ में आ जाए हक वादे हो जाए आप अपने मिशन में अपने हक गालिब करने में कामयाब हो जाए इसको कहा जाता है वरना आज जो लोगों ने तक तरीका अपनाया है वो हक गोई और बेबाकी और सही माना जो हिकमत जिसलिए अल्लाह ताला ने हमें अपनाने के का हुक्म दिया है उसके उस पर अमल करने वालों को कहते हैं फसादी है बड़ा शिद्दत पसंद है इसको हिकमत समझ में नहीं आती ये बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ा इल्जाम है मैं बता रहा था अलामा इकबाल ने कहा कौन है तारी के आई ने रसूल मुख्तार मसलहत तो वक्त की है किसके अमल का मेयार किसकी निगाहों में समाया है, है? शार अगियार हो गई किसकी निगाहें तर्द शलफ से बेझार रूह में एहसास नहीं दिल में शोध नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं अल्लाह रब्बुल आलमिन हम तमाम साथियों को हिकमत कबूल करने वाला बनाए अल्लाह रब अब हिकमत को और समझने के लिए कुरान पाक की एक आयत जिसमें खास तौर से हिकमत का लफ्ज आया हुआ है वो आपके सामने पेश करते हैं सूरतुल्न की आयत नंबर एक सौ पच्चीस रबुल आलमी ने शात नमायाबी कबिल हम हसना आसन इन रब्बक हुआ आलम बिल्ला व हुआ आलम बिल मुहतदीन इस आयत को समझ लेने के बाद हिकमत की जरूरत अहमियत फजीलत हिकमत का माना सब कुछ समझ में आ जाता है ये ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को हिकमत के साथ दावत देने का हुक्म दिया है अल्लाह अकबर उद्रो इला रबी कबिल हमत हसना ए नबी इला शबील रबी का आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए इस आयत का हर हर जुमला हिकमत पर मबनी और हिकमत की तशरी पर मबनी है और हर दाई को अपनाना जरूरी है

अपने रब के सबील अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए दावत दे अल्लाह ने अपने नबी को दावत का हुक्म दिया समझिए इसको उदड़ो आप दावत दें हमारे नबी उ आप लोगों को दावत दीजिए बुलाइए इला शबील का, अपने रब के रास्ते की तरफ अब रब का रास्ता यानी दावत की इब्तदा रब के रास्ते की तरफ अब यह समझना है कि रब का रास्ता क्या है हिकमत रब का रास्ता क्या वो समझिए उदरू इला सबीली रब्बी का ए नबी आप दावत दीजिए बुलाइए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ रब का रास्ता क्या है ये समझे रब के रास्ते की तरफ दावत दी है लोग दो लोगों को बुलाए ब इतफाक उलमा मुफसरीन मुहदसिन हर आलिम का इस बात पर इत्तेफाक है किस शबील रब ए नबी आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाए रब का रास्ता क्या है रब का रास्ता ये है वो सिराते मुस्तकी तोहेद सुन्नत का जिसको रब ने जन्नत तक पहुंचने अपनी रेजा के लिए मुक्र किया है पता चल गया दावत की इब्तदा तोहिद और सुन्नत से होगी अब अगर कोई इंसान तोहेद की तरफ ना बुलाए नहीं भाई तोहेद से उम्मत में इख्तलाफ होता है अकीदे के लोग मौजूद हैं इसलिए इसको छोड़ो सिर्फ आओ सब लोग मिल जाए हम आप अपनी तरह का शिरक विदात पर आप अपनी तरह से झंडे और गन गन्दंडे की इबादत करें ये दरगाह पर जाए ये कमर की इबादत करें हम अप, हर आदमी मेरे ये ही नहीं है हिकमत को जबह करना है ये रब के रास्ते की तरफ दावत देना यहीं से हिकमत छोड़ रहे हैं आप का आप अपने रब के रास्ते यानी उस तहीद सुन्नत और सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाए जो रब के ने जन्नत में जाने अपनी रेजा अपनी खुशनूदी के लिए मुक्र किया है शिरक वालों को शिरक से रोकें अहले बिदात को बिदात से रोकें सिर्फ तौहीद की दावत दें और तौहीद की दावत देने के साथ शिरक की मदम्मत करें ला एक अल्लाह के की इबादत गैरों को जुमलाया जाता शिरक शिरक से रोका जाए अब नहीं समझते कि कौन सी मसलहत आपने अपना रखी हिकमत है आपकी कि नहीं नहीं सब कल मांगो सबको ऐसी बात करो जिससे उम्मत में इख्तलाफ ना हो आ इसकी जरूरत है इस हमत की कि शिरक से रोका जाए लोगों को बिदास से रोका जाए और लोगों को सिरात मुस्तकीम अनहादा वहादा शरात मुस्तकी अनफत सुबुल इस आयत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को आम करना चाहिए सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो सिरात मुस्तकीम के अलावा किसी और शिरकिया बिदाती जलालत और गुमराही वाले रास्ते की पैरवी मत करो जरा सोचो कौन सी हिकमत आपने अपनाया सबसे बड़ी हिकमत उम्मत की खैर ख्वाही अल्लाह ताला की अमानत रसूल की अमानत का तकादा यह है कि आप हिकमत अपनाएं और सबसे पहले तोहैद की तरफ दावा दें लोगों को शिरक से रोकें विधात से रोकें आज कलमा पढ़ने वाले पता नहीं कैसे कैसे शिरक और विधात में मुबतला है आप तो रोकते नहीं अगर कोई रोकता है तो कहते नहीं हिकमत का ये तकाजा नहीं है हिकमत का तकाजा यही है कि लोगों को तोहहीद की तरफ बुलाया जाए और इस मसले को ना छेड़ो इससे उम्मत में इख्तलाफ बढ़ता है यह हिकमत नहीं ये बुजदिली है और हक छुपाना है हिकमत का नाम आपने गलत इस्तेमाल किया है यह तो है इला सबील रब्बिक फिर अल्लाह ताला ने तो की तरफ इलाशी रब्बिका उद्रो इलासबील रबिक हमारे नबी आप अपने रब अपने रब की के तरीके रब के रास्ते की तरफ बुलाएं लोगों को अब बुलाएं कैसे आप जब रब के रास्ते की तरफ जन्नत की तरफ रब की रजा की तरफ बुलाएंगे तो तीन चीजें आपको अपनानी है दोस्तों हम तम तमाम साम और नादरी से कहते हैं यही असल में हिकमत का तकादा है सुने और इसको याद रखें रबी का आप अपने रब के रास्ते की तरफ सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को बुलाएं और तीन चीजों का खास ख्याल रखें अपनी दावत देने में जब लोगों को दावत दें तो दावत देने में तीन चीजों का बड़ा ख्याल रखिएगा नंबर एक नंबर एक हमेशा आप दावत दें तो हिकमत के साथ दें अल्लाह ने हमें दावत के मैदान में हिकमत इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है वो तोना शबील रब कबील हिकमत बगैर हिकमत के कभी दावत का काम नहीं हो सकता रब ने हुक्म दिया ऐ नबी आप मेरे रास्ते की तरफ बुलाएं लेकिन हिकमत से आप लोगों को दावत दें एक तो हिकमत है नंबर दो वल मो एजा हसन और मोएज हसन की तरह से दावत दें आप हमेशा दावत देने में हमत के साथ मोएजा हसन इस्तेमाल करें दो, दो चीजें हो गई आप मेरे रास्ते की तरफ दावत दें हमत के साथ नंबर दो मोएज हसना के साथ नंबर तीन वजा दिल हम बिल्लती अहसन और लोगों से बहस करें तो अच्छे तरीके से बहस करें इन रब्बा का हुआ आलम आप कर रब खूब अच्छी तरह से जानता है कि कौन उसके रास्ते पर है और कौन गुमराह है यहां इस आयत को समझने की बड़ी जरूरत है और इसलिए जरूरत है कि बाकायदा इस आयत में दावत के लिए तीन शर्तें अल्लाह ने रखी तीन चीजों को जरूरी करार दिया उद्ला सबील रबसना ही अहसन यही है नबी सराफ शाम की दावत का अंदाज कि अल्लाह तला ने आपको इस आयत में तीन दावत में तीन चीज़ों के अपनाने का और पाबंदी पाबंदी से अपनाने का हुक्म दिया है नंबर एक बिलहिकम आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाएं तो, तो सुन्नत और जन्नत की तरफ लेकिन सबसे पहले आप हमत का इस्तेमाल करें अपनी दावत में हमत इस्तेमाल करें नंबर दो अगर सिर्फ जबानी दावत से मुस्बत अंदाज में दावत देने से काम न बन सके तो वल लो तिल, तिल हसना मोहदा हसना मौदा हसना क्या है यानी ऐसी वाद और नसीहत ऐसी बातें बताएं जिससे इंसान के दिल में खौफ डर पैदा हो या हक कबूल करने के अजर स्वाब को सुन करके उसके अंदर उसका दिल हक़ कबूल करने के लिए अपनी सह करने के लिए आमा आमादा हो जाए इसको कहा जाता है वादो नसीहत तो वादो नसीहत यानी कुरान पाक के ऐसे वाक्यात बयान करें जिसमें इबरत नसीहत है कि हक़ कबूल करोगे तो ये मिलेगा अगर हक नहीं कबूल करोगे तो ये नुकसान होगा अम्बी आने सलात के सारे वाकत सारे जो किरण पाक में सब हैंदा हैं, हैं। इसीलिए बहुत ही जरूरी है और दावत में हिकमत का तकादा यह है कि सबसे अच्छे वाकआत इबारत नसीहत के, के वाकत अल्लाह ने कुरान पाक में बयान कर दिया है उन वाकत को हर दाई को चाहिए कि ए, उस पर अपनी निगाह मरकोज रखे और हर किस्से को अपने दिलो दिमाग में बसाए और अपने वादो नसीहत में बयान करें आप जरा गौर करें कुफार मक्का को नसीहत और इबरत सिखाने के लिए और उनको सुनाने के लिए अल्लाह तला ने हजरत नू अ सलातम आदम अलह सलात तक के वाक्यात से लेकर के नबी नबीसम के पहले तक जितने वाक्यात गुजरे थे सबको कुरान में अल्लाह ने बयान किया है ये बहुत बड़ा मुआवजा है लेकिन आज लोग पीरों के फकीरों के अपने बुजुर्गों के अपने बड़ों के ऐसे किससे कहानियां गढ़ लेते हैं किसी को आसमान पर उड़ा रहे हैं किसी को पानी में चला रहे हैं ये अस मोएजा जो है वो छोड़ दिया जाता है तो दावत में हमत का तकादा ये है कि मोएज हसना और मोद हसना में अल्लाह रब्बुल आलमी ने कुरान पाक में कुरानी किस्से को कुरानी वाक़ खुद कुरान पाक को मौजा करार दिया है इसलिए हमेशा तरजीह देना चाहिए अम्बिया साहब और गुजरबी कौमी के वाकयात और दास्तान लकत कानी इबरातुल्ले उलबाब ले उबसार बहुत सारी चीजें बयान की गई हैं तो हर दाई के लिए जरूरत है और हिकमत का तकादा है क्यों रब ने हुक्म दिया अपने हमारे नबी आप हिकमत के साथ और मोद हसना के साथ के, के रोशनी में आप दावत का काम करें तो मो हसना होना चाहिए इबरत और नसीहत की दास्तान वाक़ नबीम के सहाबा के, के उससे पहले अदत आदम से बने हक और बातिल की लड़ाई आदम और इबली से हुई है उस वक्त से लेकर के हाँ, हाँ, कुफार मक्का तक अजहा के, के साथ हाँ, हाँ, उन्होंने क्या किया सारे वाकत सारी, सारी दास्तान महफूज हैं दावत के अंदर चाहिए कि हमत का तकादा ये के का इस्तेमाल करें और इनको सुनाए आवाम के सामने इबरत और नसीहत के लिए बयान करें और फिर कभी अल्लाह ने तीसरी चीज का हुक्म दिया अगर कोई हुज्जत हजतबाजी पर आमादा हो जाए बहस और मुबाहिशे के लिए आमादा हो जाए तो आप उससे बहस और मुबाशा भी करें लेकिन अच्छे अंदाज से करें जिसमें गाली गुलूच, लान तान शिकवा शिकायत न हो ऐसा मुजादला करें व वजादिल हम बिल्लती आसन अच्छी तरह से बहस करें हैं, मकसद ये के हक और बातिल कि हक कैसे गाली बा जाए हक को हम कैसे जाहिर करें ये इस अंदाज में बहस और मुबासा किया जाए और चैलेंज का मामला है तरह तरह के जो आज लोगों ने इतियार कर रखा है मुनादरबादी का कोई दावत का उसलोब नहीं है अल्लाह रब्बल आलमी ने कुरान पाक में हमें हजरत ईसा इब्राहिम सलाफ के वाकत बयान किए कौम के साथ कैसे मुबासा किया नू अ के वाकत हैं कैसे उन्होंने अपने कौम से मुबाशा किया खुद रबी की जिंदगी में कुफार मक्का मुबादा करते रहे किस अंदाज से किया हमें वही तरीका अपनाना चाहिए ये तीन चीजों का अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया यहां एक चीज बड़ी अहम है जो अपने साम को और नाजरीन जो इस तो हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त उनको हम समझाना चाहेंगे ताकि हमत की बात बड़ी वाज हो जाए अब आप देखिए अल्लाह तला ने अपने नबी को हुक्म दिया उदोला रब्बी का ए नबी आप अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाएं हिकमत के साथ मौइदा हसना के साथ और जेदाले बिल हसन के साथ तीन चीजों का हुक्म दिया अब यहां इस एक आयत को सामने रखा जाए तो हमत का माना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो हिकमत का माना मैंने बताया हक को गालिब करने सामने वाले के दिल में बात उतारने हक की वजाहत करने सिरात मुस्तकीम के समझाने के लिए जो बेहतर अंदाज हम अपनाए अपनाते हैं कि किसी भी सूरत से सामने वाले के सामने हक हम वादे कर दें न झगड़े हो न लड़ाई हो न कोई और मामला आ जाए हक गालिब आ जाए हक की वजाहत हो जाए इसी चीज का नाम हिकमत है अब हिकमत अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि अय नबी आप हिकमत से दावत दें सारी जिंदगी नबी अलैहि सलाम ने दावत का काम किया और आपसे पहले सारे अंबिया मुसलातो सलाम ने भी दावत का काम किया हिकमत के साथ बगैर हिकमत के दावत बेकार होती है लेकिन हिकमत का माना जो हमने बताया वही बातिल के साथ समझौता नहीं हक छुपाना नहीं हक की वजाहत हिकमत है हक की वजाहत के लिए हक को गालिब करने के लिए हक और बातिल में तफरीक करने के लिए यह है असल में हमत हमें जो हुक्म दिया गया है सारे अम्बिया खसूस आखिरी नबी महोसलम ने जो हमत अपनाया तो एक जुमला आप याद रखें नबी अलैहि सलातो सलाम ने अपनी तेईस साल जिंदगी में दावत का जो अंदाज इख्तियार किया नरमी का गर्मी का कुत तो और ताकत का अफोदरगुदर का सब को हमत कहा जाएगा अल्लाह के रसूल ने हमत अपनाया है चुना उदी अल्लाह तला से मतदीद रवायात मरवी हैं लोगों ने पूछा अम्मी जान नबी रही सराख शाम के अखलाक कैसे थे आपका कल्चर आपका तौर तो तरीका आपका कैरेक्टर कैसे था अल्लाह अकबर मोमिन आयशा से लोग पहुंच रहे हैं आप बताइए कि नबी के अखलाक अखलाक किसको कहते हैं अखलाक हिकमत भी अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा है अखलाक किसको कहते हैं आदमी सामने वालों से मिलने मुलाकात करने उठने बैठने लेन देन मामला करने में जो तरीका इख्तियार करता है उसी को कहा जाता है अखलाक ये अखलाक की तारीफ है लोगों से मिलने जुलने मामला करने लेन देन करने और बातचीत करने में कुछ कहने और समझने समझाने में जो तरीका इंसान इख्तियार करता है उसी को कहा जाता है अखलाक अब अगर इंसान लोगों से मिलने जुलने में उठने बैठने में मामलात करने लेन देन करने, करने में अच्छा तरीका इख्तियार करता है तो कहते अखलाक हसना और कोई गलत तरीका इस्तेमाल करता है तो कहा जाता है बद अखला की अखला पूछा गया यार रसोल्ला तो दावत का काम तो ऐसा है इसने बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता है पूछा गया अम्मी जान नबी अलैहिस्सलाम शाम के अखलाक कैसे थे आप बताएंगी हजरत आयशा अदी अल्लाह तला ने एक जुमला फरमाया अमा तकर नबी अखलाक कैसे थे तुम लोग हमसे पूछ रहे हो क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा कुरान नहीं पढ़ते लोगों ने कहा पढ़ते तो हैं कहा अल्लाह के बंदे का अलकुरान अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान ही था क्या मतलब है कुरान ने जिस चीज के करने का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने वही किया जिस चीज से मना किया आप उससे दूर रहे अल्लाह ताला जिस पर खुश वही आपने अपनाया अल्लाह जिससे नाराज वही आपने तर्क किया इस तरह से कुरान में जो कुछ है वही नबी का अखलाक था जब आपने ये हदीस सुन ली कि उमुल मोमिन आशादी अल्लाह तला कहते हैं कि नबी का अल्लाह जो कुछ कुरान है था वही कुरान में वही नबी का अखलाक था तो हम ये कह सकते हैं कि इस हदीस की रोशनी में नबी अलह सलातोलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप दावत का काम करें हिकमत के साथ तो दोस्तों पूरे तेईस साल जिंदगी में नबी अलह सलात सलाम ने जो दावत का काम किया और दावत के काम में इस्लाम को गालिब करने के लिए हक को गालिब करने के लिए और बातिल को मिटाने के लिए जितने रास्ते आपने इख्तियार किया उसी को हिकमत कहा जाएगा क्यों दीन इस्लाम की दावत में अल्लाह ने आपको हिकमत का हुक्म दिया तो जो भी आपने अपनाया जो उसलूब इख्तियार किया वही असल में हिकमत है आज मुसलमानों को यही समझने की जरूरत है और इसी हिकमत को अपनाने की जरूरत अपनी खुद साख्ता हिकमत नहीं कि बाग माघ भी खुश रहे राधी रहे सयाद भी नहीं अगर हिकमत अपनाना है तो पूरी तेईस साल जिंदगी में नबी ने दावत के लिए में जो राह इख्तियार की इस्लाम के नश्वर के लिए अमर बिल बिलमारूफ के लिए नहीं अनिल मुनकर और बातिल को मिटाने के लिए लोगों की के लिए आपने जो कहा वही असल में हिकमत है वही उदासवील रबी कबील हिकमतना की तस्वीर और इसकी तफसील है इसलिए हमें अब जरा ठंडे दिल से सोचना गौर फिर करना करेगा थोड़ी देर तक कि नबी व सलाम ने दावत तबलीग में कौन कौन से वह अपनाया उसमें बहुत सारे उसलूब ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है सबसे पहले सूरत यूसुफ की आयत सूर्य यूसुफ की आयत सूर्य यूसुफ आयत नंबर 108 कुल ही सबीली, एला इस आयत में अल्लाहरबुल आलमी ने नबी को चार चीजों का हुक्म दिया है और यही असल में हिकमत है चारों चीजें हमत में शामिल है क्यों एक जुमले की पूरी जिंदगी की दावत तबसीर है उद्रवील रब हम हमत आप अपनाएं अभी सूर्य यूसुफ की है कुल हादही सबी बसी नंबर एक अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नबी आप बताएं हादही शबीली यही मेरा रास्ता है देख लिया आपने इंसान को अल्लाह ने शरात मुस्तकीम दिया है तो हमेशा अपने इस मनहज की और इस सवील की अल्लाह के फजर सराते मुस्तकीम मिला है इसकी लोगों के सामने बब, बबा के दो ऐलान करें छुपाए नहीं आज के लोग सोचते नहीं नहीं अगर मालूम पड़ जाएगा कि हम किताबों सुन्नत पर चलने वाले हैं, तो लोग बिदक जाएंगे भड़क जाएंगे वाहो अकबर हिकमत नहीं है हाद ही सबीली हिकमत यह है ए नबी आप वाजे कर दें मेरा फना तरीका है। यही तरीका है किताबल्लाह सुन्नत रसूल का ही मेरा यही रास्ता है शराते मुस्तकीम किताबुल्लाह सुन्नत रसूल अल्लाह ने जो हमें वही दिया है किताब सुन्नत की शक्ल में हम इसी रास्ते पर चलते हैं जो कुछ बताया यही हमारा रास्ता यही हमारा तरीका है तो मैं समझता हूं अपने अकीदे और अपने मनहेज को लोग गोल मोल बताना चाहते हैं छुपाना चाहते हैं कमाल तो है अहले हर छुपाते हैं ये हिकमत के खिलाफ है अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया ऐलान कर दें बाबा के दोहल ऐलान करें हाथ ही सबीली यही हमारा रास्ता है क्या रास्ता है हमारा अल्लाह ताला की रास्ते तोहीद की तरफ दावत देना तोहीद की तरफ दावत देना तोहहीद पर कायम रहना और तोहहीद की दावत देना और इसी की तरफ लोगों को बुलाना यही असल में हिकमत है कुल्हादी सबीली बसी हम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं समझें हम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का मतलब हम अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं, मतलब हैं। यानी किताब सुन्नत की तरफ तोहहीद की तरफ और इतबाई सुन्नत की तरफ बुलाते हैं अला इल्म इल्मत की रोशनी में पता चल गया हिकमत का तकाजा यह है कि दावत से पहले ल हासिल किया जाए दावत जो हो इल्म की रोशनी में हो बुल अद्ला बसीरतिन हम दावत देते हैं इल्म बसीरत की रोशनी में हवाई काम हमारा नहीं है इल्म इल्मिकमत की रोशनी में किताब सुन्नत में जो अल्लाह ने बयान किया उन्हीं मालूम के मुताबिक हम आपको दावत देते हैं फिर आगे व मन और मेरी सच्ची इतवा पैरवी करने वाले जो होंगे वो भी जब बुलाएंगे तो इल्म बसीरत की रोशनी में इसी रास्ते की तरफ बुलाएंगे इसीलिए कहा जाता सच्चा दाई सच्चा मुबलिक इस्लाम का सच्चा दाई वो होगा जो रसूल का नायब हो वही दाई रसूल का नायब होगा दावा तमाम अंबिया का जो किताब उस सुन्नत का पहले इल्म हासिल करेगा हिकमत और हिकमत व बसीरत की रोशनी में किताब उस सुन्नत की तरफ जो लोगों को बुलाएगा वही असल में सच्चा दाई होगा वरना किताब उस सुन्नत का जब तक इल्म नहीं होगा वो दाई जो होगा वो तो अपने लिए भी नुकसान दे होगा और पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचाएगा बकौल शख्स हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबे के विस्तार होगा इसीलिए तकादा यह है कि पहले इल्म हिक्मत हासिल किया जाए अल्लाह अकबर इसलिए हमेशा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज्लाह तला कौल याद रखना कि लोगों यानी असाब मुहमदन तरीका याद रखो सबसे ज्यादा सही तरीके पर मोहल्लम के साथ ही थे और जो लोग अपने दावत तबलीग में अल्लाह 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 की किताब नबी की सुन्नत और सहाबी कराम का मनहज अपनाएगा तौर तो तरीका अपनाएगा इल्म बसीरत की रोशनी में वही हकीकत में सच्चा दाई और सच्चा मुबलिक होगा आइए एक और आयत आपके सामने हम पेश करते हैं लेकिन यह नुक्ता याद रखिएगा हमने कहा कि नबी अलतलाम ने दावत के अंदर इस्लाम के नश्र के लिए जितने रास्ते जितने तरीके इख्तियार किए सब हमत की तफसीर है और सब हिकमत का एक युज है अल्लाहबी ने सूरत फुस्सलत के अंदर आयत नंबर तैतीस से लेकर के आयत नंबर छत्तीस तक बहुत ही हकीमाना अंदाज में एक दाई को नसीहत हासिल करने के लिए बड़े ही अच्छे अंदाज में उसलूब दावा

जो अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाता है और खुद अमल साले भी करता है इन इंगन मिनल मुसलमिन और लोगों से कहता है बबा के दोहल लोग मैं मुसलमान हूं मैं सच्चा मुसलमान हूं ये नहीं सोचता कि मैं कह दूंगा सच्चा मुसलमान हो तो लोग बिदक जाएंगे नहीं अपना मनहज अपना तरीका अपना अकीदा बाबा के दोहल पहले ऐलान करना चाहिए मैं फला हूं सारे अंबिया का तरीका यही था मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं यह है हिकमत। अब कौन गोल गोल बातें करने की जरूरत नहीं है दोस्तों जमाना खत्म हो गया ये मुनाफिकत एक किस्म की है सामने वाला पूछे और आप छुपाए वकाल इन न मेरा मुस्लिम आगे वाला तस्तवी हसरत वाला सही गया हसना और सहिया कभी बराबर नहीं हो सकते इतफा ही या हसन आप लोगों को, को जवाब दे तो हसन तरीके से अगर ये आप ऐसे करेंगे तो अन करीब दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा लेकिन ये चीज उसी को मिलती है ये चीजें उसी को मिलती हैं जो सब्र करे और बड़ा नसीब वाला हो, हो। बहरहाल किस आयत में दावत दावतू दावत तबलीग के लिए चार नहाय अहम बातें कुछ बहुत सारी लेकिन सिर्फ चार बातें हम नकल करते हैं वक्त का ख्याल रखते हुए नंबर ए वमन अहसन दाला दावत 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 कई मरतबा इस किस्म की बातें हो चुकी हैं और आयत गुजर चुकी है दावत अल्लाह का मतलब यह है तोहीद की दावत तोहैद पर कायम रहना शिर की मिटाने की कोशिश करना और शिरकों को गलत कहना यह है दावत नबिया नबी सरा तो सलाम ने और सारे अंबिया ने ही किया दावत अल्लाह दाई का मतलब दावत अल्लाह होना चाहिए और अल्लाह की पहली शर्त और पहचान यह है कि तोहद पर खुद कायम हो और तोहीद ही की दावत दे सिर्फ तोहहीद पर कायम रहना काफी नहीं तो पर कायम रहने के साथ साथ शिरक की मजम्मत करें, शिरक से लोगों को मना करें शिरक की वजाहत करें। एक आदमी तोहहीद पर तो है लेकिन शीर्क की मुखालफत नहीं करता तोहीद उसकी मुकम्मल नहीं और उसकी दावत दावत नहीं हो सकती तो नंबर दो मिम्मार व आमेला सालिहा दोस्तों दावत के लिए जरूरी है और दावत के में हिकमत का एक हिस्सा यह है कि दाइ कहने से ज्यादा खुद अमल करने वाला हो आज बड़ी कमी है दोस्तों क्यों दावत हकवत मैंने बताया हर वो अमल जिससे सामने वाला हक कबूल करने के लिए तैयार हो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो दोस्तों उसी को हिकमत कहा जाता है इंसान के कौल और अमल दावत और अमल में यसानियत होनी चाहिए वह आमेरा सवाल सबसे अच्छे इंसान जिसकी बात हो सकती है कौन है दावत दे अल्लाह की तरफ तो सुन्नत की तरफ शिरक की मजम्मत करे और खुद अमल करे ऐसा नहीं कि लोगों की तो इसलाह करे अपना खुद अमल ना करे अमल वह आमेरा सवाल दोस्तों एक चीज याद रखिएगा हर दाई के लिए हिकमत का तकादा यह है कि अपने आप को अमली सांचे में ढांचे और याद रखना कभी कभार अमली दावत अमल अमली दावत बहुत ज्यादा कामयाब होती है यानी आदमी जिस तरह से आपकी बातों से मुतासिर होता है हो सकता है कि कभी आपके अमल से मुतासिर होकर के अपनी इसलाह करे और आपकी दावत को बोल कर ले जब आप अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपके बातों में तासीर देगा और अवाम भी आप जरा सोचें अमली दावत नबी रहराफ साह ने सुलह के मौके पर सुलेह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप लोग यहां से वापस चले जाए मुसालहत हुई आप जानवर जबह करने के लोगों को हुक्म दिए चौदह सौ लोगों में कोई एक आदमी जानवर सबह करने के लिए तैयार नहीं आप बार बार फरमाते लोगों जानवर सबा करो हिराम खोल दो आपस जाएंगे आइंदा साल आकर के उम्रा करेंगे इमसान नहीं कर सकते कोई एक इंसान जानवर सबह करने के लिए तैयार नहीं है आपको बड़ा गुस्सा आया नाराज हुई आप खेमे में वापस गए आपकी जवजा उमुल कहती हैं यार सोल्लाह क्या हुआ अल्लाह रसल क्या फरमाते हैं मुझे बड़ी परेशानी हो रही है अल्लाह ने एक बात का हुक्म दिया और मैं वो बात लोगों को बता रहा हूं लेकिन कोई उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं उमुल मोहन ने पूछा यार रसुल क्या है अल्लाह रसुल फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया कि जानवर यहीं जबा करके मिसाल वापस चले जाओ आइंदा साल आके मक् मक्के में दाखिल होना और उमरा कर लेना तो उमुल ने कहा यारसूला आप लोग कहते तो क्यों हैं ये छुरी तेज करके मैं देता कर, तेज करके आपको देती हूं आप खामोशी के साथ जाएं अपना जानवर लोगों के सामने जबा कर दें बस किसी को कहें नहीं आप जबा कर दें बस अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बीवी की बात समझी ये हिकमत थी ये हिकमत थी अल्लाह के रसूल ने बात कबूल की बाहर आए जानवर जबा किया और छुरी लेके जबा कर दिया जैसे आपको सभा करते हुए आपको अमल करते हुए देखा सारे चौदह सौ लोग सोते कि सबसे पहले कितनी जल्दी हम अपना जानवर सभा करें सब लोगों ने जानवर जमा कर ये अमली दावत है तो इसलिए दाई के लिए जरूरी है और हिकमत का तकादा है दावत में यह कि दाई अपने कहने और दावत से ज्यादा अपने आप में अमल पैदा करने की कोशिश करें इसीलिए नबी रही सराफ शाम के पास जब बाहर से बहुत सारे वफूद आते थे तो आप उनको मस्जिद नबी में ठहराते थे मस्जिद के अंदर खेमा लगाते थे क्यों ताकि मुसलमानों के अमल को देखें नमाज को देखें कुरान को सुने मुसलमानों के अखलाक को देखें और वाकई देख करके पूरी वफद के वफद मुसलमान हो जाते थे तो दोस्तों ये ये भी एक हिकमत का तकादा है नंबर तीन अल्लाह ने विशात रमाया कि वाला तस्तवी हसना तो वाला सही यह भी एक हिकमत का तकादा था कि बुराई और भलाई ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते क्या मतलब अगर आपको दावत की राह में क्यों दावत का काम ऐसा है कि हर किस्म के मुश्किल आती हैं लोग हज्जतबाजी करते हैं कभी लोग गालियां देते हैं कभी पत्थर भी मारते हैं कभी लान तान भी करते हैं कभी अपने यहां से निकालते भी हैं सारी मुश्किल आती हैं इसलिए ऐसे मौके पर बड़े बड़ी हमत की जरूरत होती है उनसे लड़ लेना तो बहुत आसान है लेकिन लड़ने से दावत नाकाम होती है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तस्तविल हसना तो वाला सया ए लोगो हसना और सैया कभी बराबर नहीं यानी आप चाहें तो अपना गुस्सा दिखाएं या सब्र करें अल्लाह ताला फरमा सब्र हसना है और सैया गुस्सा है मिसाल के तौर पर आपके ऊपर एतराज की बौछार कर रहे हैं तंज कर रहे हैं लोग गालियां दे रहे हैं अब आप, आप चाहें तो नार गुस्सा हो जाएं उनसे लड़ें पत्थरबाजी करें या गुस्सा होकर के चले जाए या आप सब्र करें अल्लाह ने फरमाया सब्र करने का जो अंजाम होगा वो बहुत अच्छा होगा दावत में कामयाबी होगी अपने मिशन में कामयाब होंगे और गुस्से में नाकामी और ना मुरादी हो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते गुस्सा और सबर एक नेकी है और दूसरी बुराई है दोनों में से आप वह अपनाएं जो नेकी है इसी तरह से हिल्म और जहल कभी बराबर नहीं वो जैसे जिहालत कर रहे हैं आप भी उनके साथ जिहालत करें और या उनको जाहिल समझ करके आप हमुल और बुर्दबारी से काम ले तहमुल और बुर्दबारी ये नेकी है हसना है और चिहालत और नादानी, बेवकूफी करना हजतबाजी करना ये बुराई है अल्लाह ने फरमाया हिल तहम्मल और बुर्दबारी से काम लें इसी तरह से वल वलअाती अकबर अगर आप उनको माफ करें एक है माफ करना और एक है बुराई के बदला बुराई से लेना अल्लाह ने बयान फरमाया माफ करने का जो अंजाम होगा वो कभी बदला लेने का अंजाम नहीं हो सकता बदला लेने में बात बढ़ती है और आप माफ कर देंगे दरगुदर करेंगे तो ऐसी हालत में अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आप अपनी दावत में कामयाब होंगे इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वला तस्तविल हसना वल वाला नंबर चार बिल्लती ही अहसन आपके साथ जो बुराई करता है वाह अकबर हिकमत का तकाजा आपके साथ जो बुराई करते हैं आप कभी उनके इस बुराई का बदला बुराई से ना दें बल्कि बुराई का बदला आप भलाई से दें सुना होगा प्यारे नबी का मामला सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी नबी अलैहि सला सना ने सारी जिंदगी बुराई का बदला फलाई से दिया है आपने कभी जिंदगी में बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया है जैसे कि हजरत रज़ी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने जिंदगी भर कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं हमेशा बुराई का बदला भलाई से दिया ये दावत के मैदान में, में एक बड़ी किस्म की हिकमत है क्यों आप भलाई का बदला बुराई का बदला भलाई से देंगे तो आपने वो राह इख्तियार किया जिसमें आप दावत में कामयाब होंगे चुनाव आप जानते हैं बी सलात जब मक्के में दाखिल हुए अल्लाह मक्के में आप दाखिल हुए दुश्मन का मुल्क आप को निकाल भगाया था आप हिजरत के आठ साल के बाद आज मदीने में पर फौज लेकर के दस बार दस हजार की फौज दस बारह हजार हजार मक्के में आप दस बारह हजार की फौज लेकर के मक्के में पर चढ़ाई की मक्के वाले मुकाबले की ताकत नहीं सब इधर उधर छुपने लगे आप अपने सर को झुकाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गए खाने काबा की चाबी मांगी खाने काबा की चाबी लेकर के आपने बुतों को तोड़ा बुत से पाक किया आप बाहर निकले तो मक्के के बहुत सारे लोग हरम में मताह में आकर के अपनी जान बचाने के लिए खड़े हो गए क्यों हरम के अंदर रहेंगे तो मोहम्मद और उनकी फौज हमको कतल नहीं करेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान बचाने के लिए हरम में आकर के खड़े हो गए नबी हेसर साहब निकले जिन्होंने 20 साल तक तकरीबन तक आप पर जुल्म किया था आपको सताया था आपसे जंगे लड़ी थी आज सारे दुश्मन हरम के अंदर जान बचाने के लिए खड़े हैं उमर फारूक ने ललकारा आज इनशा अल्लाह सबकी गर्दनें मार करके पूरा बदला ले ले उमर फारूक जलाल में थे गुस्से में थे और ललकार दिया था कि अल्लाह की कसम आज तुम एक मजा चखाएंगे मुसलमानों पर जुल्म करने का तलवार हाथ में है लेकिन नबी रह निकले खाने काबा की चौखट पर ऐसे अपना दस्त मुबारक रखा खाने काबा के दरवाजे पे अपने चौखट पर अपने दस्त मुबारक रखा और रखने के बाद फरमाया या माशरा कुरैश, मक्के के लोगों बताओ अब तुम क्या कर सकते हो क्या सोच रहे हो कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ अल्लाह अकबर अफव गुदर का ये दावत के मैदान में हिकमत अपनाना कितनी खैरों बरकत की वला तस्तवी हसन या हसन ए नबी आप दाई हैं हमेशा लोगों को दावत देने में बुराई का बदला बुराई को हमेशा नेकी से दफा कर कीजिएगा बुराई को बुराई से ना मिटाएं आज लोग क्या करें नहीं नहीं लोहा लोहे को काटता है ईद का जवाब पत्थर से हम देंगे हमारे ये हिकमत का तकादा नहीं नबी रह क्या सोच रहे हो मक्के के लोगों ने कहा कहागर करीम इब्न करीमिनगर ए मोहम्मद आप तो करम वाले सलम आपका बाप और दादा भी बड़ा करम करने वाला था हम तो आपसे अच्छी ही उम्मीद लगाई हुई है अल्लाह अकबर ये कहा और आपने फरमाया सुनो आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो हमारे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था जाओ नशरी वाले कुम्यबू फान तुम का लकबर आपने फरमाया जाओ सबको हम आजाद करते किसी को गुलाम नहीं बनाते सब आजाद हैं और जाओ तुम्हारी गलतियों का तस्करा करके तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं करेंगे यद फिर बल्कि हम आइंदा भी दुआ करते हमने तो अपना हक हाँ माफ कर दिया चाहेते तो अपना इंतकाम ले लेते हम तुमको माफ कर देते हैं और तुमने अल्लाह की शान में जो गुस्ताखियां की हम दुआ करते अल्लाह भी तुम लोगों की मख्फरत कर दे इतना कहना था कि पूरे मक्के के लोग एक साथ में कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए ये है हिकमत नबी अलह सराफ साहब ने कभी इस अपनाया और कभी जरूरत पड़ी तो अब सख्ती का भी मामला किया तो नबी अलह साहब ने जो कुछ किया असल में दोस्तों यही असल में तबलीग है हिकमत है एक और आयत थे उसी को हम बता करके बात को खत्म करते हैं नबी रहीसलात शाम के बारे में सूरह हज़ाब की आयत अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी यो इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इल्लाही इल बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु जो आयत दुनिया में नज़ीर और बशीर आए थे मुबरीर और मुंदरीन आए थे इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया नबी हमने आपको तो शाहिद बना के भेजा है नंबर दो बशीर बनाया है नंबर तीन नजीर बनाया है नंबर चार दायनला बनाया दाइल्लाह बनाया है और नंबर पाँच हमने आपको सिराज मुनिर बनाया है ये बड़ी अहम आयत है फिर मैं आपको बताऊंगा नबी ने दावत में जो उसलोब इख्तियार किया और अल्लाह तारा ने आपकी जो सिफात बयान की दाई के दावत के मैदान में उसी को हिकमत कहा जाता है वही हिकमत है हमको भी वही तरीका वही हिकमत अपनाने की जरूरत है मिसाल के तौर पर इस आयत में अल्लाह तारा नबी की पांच खूबियां बयान की हैं नंबर एक या नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन अल्लाह फरमाते हमने आपको शाहिद बनाया है शाहिद बनाया है लोगों पर गवाह लोगों पर निगरा बनाया है और तक आने वाले इस उम्मत के मुसलमान इनको भी अल्लाह ने शाहिद करार दिया वालिक नाकुम उम्मत वसत ले तकदा हमने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि लोगों पर तुम गवाह रहो अकबर पता चला कि इस दुनिया में क्या हो रहा है कौन सा कुफर और शिरक हो रहा है हम सब देख रहे हैं हम जिम्मेदार हैं हम गवाह हैं और हमें उसको मिटाने की जरूरत है नंबर दो अल्लाह ने फरमाया हमने आपको मुबशिर बनाया है यानी नेक आमाल करने वालों को जन्नत की बशारत देने वाला अजर शवाब की बशारत देने वाला गुनाहों की मकफरत और अल्लाह की बशारत देने वाला और अल्लाह रबुल आलमीन की खुशनुदी और रेदा की खुशखबरी सुनाने वाला बनाया है। इसी तरह से नंबर तीन हमने आपको नजीर बनाया है क्या मतलब जो इंसान बुराई ना छोड़े शिरक ना छोड़े कुफर से बाज न रहे हरामकारी और गुनाहों से बात ना आए उसको जहन्नम के अदाब से कबर के अदाब से अल्लाह के गदब और अल्लाह के नाराजगी से हमने उसको डराने वाला बनाया है आपको डराने वाला यहीं से पता चल गया कि हिकमत का तकादा यह है कि हम लोगों के सामने दोनों चीजें रखें तरगीब और तरहीब भी हम लोगों को नेक काम की दावत दें और उस पर बशारत सुनाएं, अजर शवाब की फजीलत सुनाएं और दूसरी तरफ लोगों को गुनाहों से भी डराएं और गुनाह से न बचने वालों को अल्लाह के अदाब से अदाब कबर से अल्लाह के कहर से अल्लाह की गदब से डराएं यह हिकमत का तकादा है लेकिन आज तीन किस्म के लोग हमारे यहां आए नंबर एक उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका यह है कि नहीं सिर्फ फजाइल बयान करो लोगों को डराओ नहीं फजाइल बयान करो लोग ने किया तो नतीजा यह निकला कि आज साठ सत्तर साल हो रहे हैं ऐसे लोगों को तबली दावत का काम करते हुए सिर्फ नेकियां तो किया फदाइल के पीछे गए लेकिन आज तक कुफर शिर की बिदास से तौबा नहीं कर सके वो क्यों उनके यहां सिर्फ खुशखबरी सुनाना है एक तीसरा गिरोह है दूसरा गिरोह वो सिर्फ रसूल बयान करो हुब रसूल बयान करो और अलिया अल्लाह के फदाइल बयान करते रहो उनको दुनिया में क्या हो रहा है कोई और चीज बयान ही नहीं करनी है ना नजीर बने ना बशीर बने एक तीसरा गिरोह है जो सिर्फ अपनी सियासी पार्टी को तादाद में बढ़ाना चाहता है तोहहीद की बात नहीं करो बिदात की बात नहीं करो सुन्नत की बात नहीं करो हर वो चीज जिससे उम्मत में इख्तिलाफ हो ऐसी बातें ना बयान करो सिर्फ एक चीज बयान करो क्या हमारी हुकूमत और खिलाफत कैसे आ जाए आ जाएगी हुकूमत फिर सब कुछ करेगी ये तीन गिरोह हैं मत का तकादा ये नहीं है हमत का तकादा ये है कि आप हक बयान करें और हक की खुशखबरी बसारत सुनाएं उधर आप कुफर शिरक बिदात मुहर्रमात हराम कारियां कारियों से लोगों को रोकें और उस पर जो वईद सुनाई है अल्लाह ताला ने किताब में नबी ने सुन्नत में हमें चाहिए कि उससे लोगों को डराएं तभी असल में हिकमत पूरी हुई अ तरगीब व तरहीक इसको कहा जाता है और अल्लाह के रसूल को इसे अल्लाह ने फरमाया आपको हमने नजीर भी बनाया बशीर भी बनाया और नजीर भी बनाया ये दोनों चीजें हिकमत का तकादा हैं इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी को इस तरह से बनाया नंबर चार दरअल् बनाया तोहीद सुन्नत की तरफ नंबर पांच सुन्नत की तरफ बुलाने नंबर पांच सिराजम मुनीरा हमने आपको रोशन चिराग बनाया है दोस्तों आज हिकमत का तकादा यह है कि हम उम्मत को सिराज मुनीर रोशन चिराग अता करें रोशन चिराग अता करें बई इतफाकमा बई इतफा के, के मुफसरीन रोशन चिराग से मुराद आखिरी नबी मोहसम जो किताब सुन्नत लेकर के आए हिदायत लेकर के आए वो है सिराज मुनीर। आपने पूरी दुनिया को किताबुल्ला और सुन्नत रसूल की दावत दी किसी दूसरी चीज की दावत नहीं दी किताबुल्ला, सुन्नत रसूल और कुरान पाक के मुख्तलिफ मकाम पर किताब सुन्नत को रोशन रोशनी नूर करार दिया है तो दोस्तों आज बड़ी जरूरत है हिकमत का बिलहिकम हमत का बिल हिकमा हिकमत का तकादा यह है कि दुनिया की सारी फजूल चीजें किससे कहानियां फजूल बातें फजूल लिटरेचर और बहुत सारे आ ड्रामों के दर ये लोग इस्लाम की दावत देना चाहते हैं जैसे रमजान में सुना होगा एक ड्रामा चलाया गया खिलाफत कायम कर ला, ला कोताबिल्ला हिकमत का तकादा ये है कि हम पूरी दुनिया को सिराज मुनीर अ करें किताब सुन्नत बताएं यही असल में सिराज मुनीर है यही असल में किताब सुन्नत की दावत ही सिरात मुस्तकीम है जैसे इंसान चिराग के जरिए अपनी राह देख लेता है ऐसे किताब सुन्नत के इल्म में की रोशनी में किताब सुन्नत अगर हम लोगों को अता करेंगे बताएंगे पढ़ाएंगे सुनाएंगे तो किताब सुन्नत को चिरागे चिरा, रोशन चिराग करा दिया गया और इस रोशन चिराग के जरिए लोगों को सिर्क विदात हराम मुनकरात सारी चीजें समझ में आ जाएगी बातें बहुत सारी थी मैंने कुछ बातें बहुत सारी छोड़ दी अल्लाह ताला हम सबको अमल के तोहफी से फरमाए और सबको हमत अता करे इन कभी मौका रहा तो मजीद हिक्मत पर कुछ और बातें की जाएंगी नबी ने क्या क्या उसनूब इख्तियार किया वो पूरा एक दफ्तर हमारे सामने है हमने सोचा था शायद कि पूरा हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं हो पाया वक्त खत्म है अल्लाह ताला हम सबको अमल के तोफी से फरमाए और एक बात हम जरूर हमार्द कर देंगे हिकमत का माना हमने आसान से आसान बहुत गौर फिक्र किया कई दिनों से कि आसान से आसान अंदाज में कैसे आपको समझा सकें तो बड़े आसान से आसान तरीके पर समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमी ने फजलो करम से अपने फजलो करम से जो हमारे दिलो दिमाग में डाला वो ये कि दावत के मैदान में हमत किसी एक चीज का नाम नहीं है बल्कि हिकमत कहते हैं हर वो तरीका हर वो उसलूब हाँ, जिससे हक को वादे करें हक को गालिब करें बातिल को बातिल समझा सकें हाँ हक हाँ और बातिल को समझाने के लिए इंसान जो उसलूब दावत में इख्तियार करता उन तमाम चीजों का नाम हिकमत है उसमें माफ करना है दरगुदर करना है सब्र तमल करना है और कभी उसमें गर्मी की भी जरूरत पड़ती है कभी नरमी की भी ज़रूरत पड़ती है कभी ताकत की भी जरूरत पड़ती है कभी इंसान को सब्र तमाम की ज़रूरत पड़ती है ये बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला हम सबको हमत का मफूम मफह समझने और दावत के मैदान में दावत के मैदान में इस्तेमाल करने की तोफिक्र से फरमाए अकुल कोलिहादा वसर मिनकुल बिमां दो